डी स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इट्स टाइप्स विद रेफरेंस टू आकुपेनल सेफ्टी एंड हेल्थ पहले मैं आपको कल्चर बताना चाहता हूँ फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करेंगे फिर स्ट्रॉन्ग कल्चर की बात करेंगे ये तीन चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे विद इन द फ्यू मिनट्स यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कल्चर कल्चर इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ वैल्यूज ट्रेडिशन कस्टम नॉर्म्स विच आर पासिसू फ्राम जेनरेशन एंड सोसाइटी प्रैक्टिस इसको हम कल्चर कहते हैं जब यही तमाम चीज़ें हम उठा के किसी आर्गनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं मसलन आर्गनाइजेशन वैल्यूज ट्रडिशन कस्टम्स नॉम्स वेच आर पास फ्राम एम्प्लाईज टू एम्प्लाईज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसनल कल्चर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग लास्ट पॉइंट देखें इस स्लाइड का तो उसमें लिखा हुआ है थिंग्स आर डन अराउंड हेयर कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें हो रही हैं वो बेसिकली प्रोडिक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अवर डेफिनेशन ऑफ कल्चर इम्प्लाइज थ्री थिंग्स फर्स्ट कल्चर इज अ परसेप्शन इट इज नथिंग दैट कैन बी फिजिकली और सीन हम फिजिकली किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते हम इसको महसूस कर सकते हैं इसका पहला पॉइंट है बट इम्प्लाईज परसीव इट ऑन बेसिस ऑफ वट दे एक्सपीरियंस लेकिन इंप्लाईज जो एक्सपीरियंस करते हैं उस बेस पे उसको परसीव करते हैं विद इन दर्गनाइजेशन सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डिस्क्रिप्टिव इसको बयान किया जाता है कि वो ऑर्गनाइजेशन बहुत अच्छी है वो ऑर्गनाइजेशन अच्छी नहीं है इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है तो ये सेकेंड इसका कॉम्पोनेट है इट इज़ कंसर्न विद हाउ मेंबर्स परसीव द कल्चर एंड डिस्क्राइब इट नॉट विद वेदर दे लाइक इट फाइनली इवन दो इंडिविजुअल में हैव डिफरेंट बैकग्राउंड वर्क एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल दे टेन टू डिस्क्राइब द ऑर्गनाइजेशन कल्चर इन सिमिलर टर्म्स दैट इज शेयर्ड आस्पेक्ट ऑफ कल्चर शेयर्ड कि वो सिमिलर टर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि आई थिंक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वीक कल्चर अभी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग कल्चर के मुतल भी वीक कल्चर के मुतल भी लेकिन ये एक शेयर टर्म है जो कि टॉप मैनेजमेंट से बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक ये परसीव की परसेप्शन की बेस के ऊपर डिस्क्राइब की जाती है स्ट्रॉन्ग कल्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर लिखा हुआ है वैल्यूज लिखी हुई हैं चीज़ें लिखी हुई हैं वेल शेयर्ड हैं रिटर्न हैं स्पेसिफ़िक हैं वेल डिफाइंड हैं वेल ऑर्गेनाइज हैं फ्लैक्सीबल नहीं है स्ट्रिक्ट हैं तो इसको हम स्ट्रॉग कल्चर कहते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इम्प्लॉज़ तक पहुँच जाती हैं रिटर्न फार्म में स्पेसिफिक फॉर्म में और इम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वहाँ पर बिहेव करते हैं इसको हम डी एस स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कल्चर कहते हैं एक और टॉपिक इसके रेलिवेंट वीक कल्चर का भी है वीक कल्चर में ये तमाम चीज़ें इस तरह परफॉर्म नहीं होती मसला चीज़ें लिखी हुई नहीं है वेल well शेयरड नहीं है वेल well कम्युनिकेटेड नहीं है वेल well को नहीं है वेल well बिहेव नहीं है स्पेसिफिक नहीं है बल्कि फ्लैक्सीबल हैं तो इसको हम लोग वीक कल्चर कहते हैं इट हैज़ बिन ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ़ द केसिस वो ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में लीड कर रही हैं वो स्ट्रॉन्ग कल्चर की प्रैक्टिस कर रही हैं